हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करेंगे। सो लेट स्टार्ट। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के दो फॉर्मूले मींस ये बेसिक फॉर्मूला है w इक्वल्स टू az प्लस b अपॉन cz प्लस d, ठीक है। और एक है बाय क्रॉस रेशियो। बाय क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला है w माइनस w1 एक ब्रैकेट, देन w2 माइनस w3, w1 माइनस w2, w3 माइनस w1, W, Z minus Z1, Z2 minus Z3, Z1 minus Z2 and Z3 minus Z, ठीक है। यहाँ चार ब्रैकेट्स है, दो न्यूमरेटर में दो डिनोमिनेटर में, अगेन यहाँ चार ब्रैकेट है दो न्यूमरेटर में दो डिनोमिनेटर में, और ये Z वाले हैं और ये W वाले, ठीक है। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बेसिक फॉर्मूले से एग्जाम्पल सॉल्व करके बता चुके, ठीक है। लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल क्रॉस रेशियो प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आता है, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट z इक्वल टू 1 माइनस i माइनस 1 ऑन टू द पॉइंट्स w i 0 एंड माइनस i। सो बाय क्रॉस रेशियो w w1 w2 w3, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है मींस z इक्वल टू 1 माइनस i माइनस 1 ऑन टू w इक्वल टू i 0 माइनस आए, ये जेड वन हो गया 1 फर्स्ट टर्म, जेड टू हो गया माइनस आए एंड जेड थ्री हो गया माइनस 1। सिमिलरली डब्ल्यू वन हो गया आए, डब्ल्यू टू हो गया 0 एंड डब्ल्यू थ्री हो गया माइनस आए। अब फॉर्मूला है बाय क्रॉस रेशियो W माइनस W1, W2 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2, W3 माइनस W इक्वल्स टू Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 डिवाइड बाय Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z, ठीक है। ऑलरेडी Z1, Z2, Z3, W1, W2, W3 आ चुका है, W की जगह W एंड Z की जगह Z रहने वाला है, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा W माइनस W1 कितना है I, W2 माइनस W3, W2 है 0 माइनस W3 है माइनस I अपॉन W1 कितना है I माइनस W2 है 0 देन W3 है माइनस I माइनस W की जगह W, Z माइनस Z1 है 1, Z2 है माइनस I, Z3 है माइनस 1, सो माइनस I माइनस ऑफ माइनस 1 फॉर्म Z1 है 1 माइनस Z2 है माइनस I, Z3 है माइनस 1 माइनस Z की जगह Z, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला पुट, W माइनस आई एज इट इज 0, माइनस और माइनस प्लस मीन्स आई बचेगा यहाँ पे, और आई माइनस 0 मीन्स आई बचेगा यहाँ पे, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये आई प्लस W या W प्लस आई बन जाएगा। सिमिलरली W माइनस आई जो बचा आई डिवाइडेड बाय आई यहाँ बचा माइनस आई माइनस W इक्वल्स टू Z माइनस 1 माइनस आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई, ठीक है। आई और आई कैंसिल, यहाँ बचा डब्ल्यू माइनस आई डिवाइड बाई माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस आई इक्वल्स टू जेड माइनस 1, ये 1 माइनस आई लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय, इधर से माइनस साइन कॉमन आएगी ये बन जाएगा जेड प्लस 1, 1 प्लस आई तो एज इट इज है, ठीक है। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा W माइनस आई अपॉन W प्लस आई इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करेंगे Z इधर मल्टीप्लाई का बनेगा Z, Z इंटू आई माइनस आई जेड, ये हो गया माइनस 1 और माइनस माइनस हो गया प्लस आई डिवाइडेड, माइनस और माइनस कैंसिल हो चुका है, ये Z इधर मल्टीप्लाई आएगा होगा Z, ये और ये बनेगा प्लस आई जेड, 1 और ये बनेगा प्लस 1 बनेगा प्लस आई, ठीक है। अब बाय
कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या बेसिकली वो देख लेते हैं। मीन्स अगर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है और कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा ए, ये वाला हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। सो ए प्लस बी मतलब डब्ल्यू माइनस आई, डब्ल्यू प्लस आई अपॉन डब्ल्यू माइनस आई माइनस डब्ल्यू प्लस आई इक्वल्स टू आएगा जेड माइनस आई जेड माइनस वन प्लस आई प्लस ये वाला पार्ट जेड प्लस आई जेड प्लस वन प्लस आई डिवाइडेड बाय जेड माइनस आई जेड माइनस वन प्लस आई माइनस जेड प्लस आई जेड प्लस वन प्लस आई, ओके। ब्रैकेट्स ओपन है ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस आई प्लस आई कैंसिल, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू हो गया टू डब्ल्यू, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगी डब्ल्यू माइनस आई माइनस डब्ल्यू माइनस आई इक्वल्स टू यहाँ है जेड माइनस आई जेड माइनस वन प्लस आई प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी एज इट इज कॉपी होगा जेड प्लस आई जेड प्लस वन प्लस आई डिवाइड बाय यहाँ पे क्या होगा जेड माइनस आई जेड माइनस वन प्लस आई माइनस साइन है सबकी साइन चेंज होगी ये बनेगा माइनस जेड माइनस आई जेड माइनस वन माइनस, ठीक है। कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं जैसे कि यहाँ पे डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे माइनस आई जेड प्लस आई जेड कैंसिल, ठीक है, एंड माइनस वन प्लस वन कैंसिल। डिनोमिनेटर में जेड प्लस जेड और माइनस जेड कैंसिल और प्लस आई और माइनस आई कैंसिल। सो न्यूमरेटर में बचा टू डब्ल्यू अपॉन माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस टू आई इक्वल टू ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है जेड प्लस जेड क्या बचा टू जेड एंड आई प्लस आई टू आई मीन्स टू जेड प्लस टू आई डिवाइडेड बाय यहाँ पे माइनस आई जेड माइनस टू आई जेड माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस टू आई जेड माइनस यहाँ से टू और टू कैंसिल हो गया डब्ल्यू बाय माइनस आई इक्वल्स टू ऊपर से टू कॉमन आया तो जेड प्लस आई अपॉन नीचे से टू कॉमन आया तो यहाँ क्या बना माइनस जेड टू और टू यहाँ से भी कैंसिल हो गया ये आई इधर मल्टीप्लाई हो गया डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस आई जेड प्लस वन डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आएगा माइनस साइन भी अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा आई जेड प्लस वन, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल डब्ल्यू इक्वल्स टू आई अंदर मल्टीप्लाई आएगा बनेगा आई जेड आई और आई आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन सो ये हो गया माइनस वन डिवाइडेड बाय आई जेड प्लस वन, ठीक है। सम को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं इसके आगे भी एक सिंप्लीफिकेशन होगा मीन्स इन टू आई डिवाइड बाय आई ताकि ये वाला जो आई है वो हटके इधर आ जाए मीन्स रियल एंड इमेजिनरी सेपरेट हो जाए ये वाला रियल बन जाए और ये वाला इमेजिनरी आई जब मल्टीप्लाई होगा ये एडजस्टमेंट है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैंसिल होने के बाद तो वही मिल रहा है आई मल्टीप्लाई आएगा तो आई और आई आई स्क्वायर हो जाएगा मीन्स ये माइनस जेड हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस आई आई और आई आई स्क्वायर मीन्स माइनस जेड देन प्लस आई माइनस साइन कॉमन आएगी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस जेड प्लस आई डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन आएगा यहाँ से तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस बनेगा जेड माइनस आई माइनस और माइनस कैंसिल फाइनली डब्ल्यू इक्वल टू जेड प्लस आई अपॉन जेड माइनस आई, ठीक है। ये अपना आंसर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, थैंक यू।